कुछ दिनों पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली थी, अब भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को भी फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। कहा गया है कि 50 लाख रुपया 2 दिन के अंदर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। इसको लेकर अक्षरा सिंह ने शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। तिवारी जी, पहले सांसद को धमकी मिलते हैं, अब कलाकारों को भी धमकी मिलने लगे, अक्षरा सिंह को धमकी मिली है? भला बताइए, ये बिहार में कौन सा राज चल रहा है? माननीय सांसदों को धमकी मिलती है, कलाकारों को धमकी मिल रहा है, ये लोग तो जो सरकार में हैं उनको जवाब देना चाहिए कि इसे कौन से राज की संज्ञा दी जाएगी। जब ऐसे लोगों को धमकी खुलेआम मिल रही है तो आम लोगों का क्या होगा? ये सरकार क्या कर रही है? अराजक स्थिति है बिहार में। जो लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी इस अपराध पर सवाल खड़े कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े, इसका ये उदाहरण है, नमूना है एक और। इस तरह से बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जब ऐसे लोगों से हमारे कलाकार, हमारे बिहार की बेटी से लोग फिरौती मांग रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो आखिर शासन प्रशासन कहाँ है? कहाँ है बिहार में कानून? जो लोग कानून राज का राग अलापते हैं और हमारे राज को जंगल राज कहते थे, आज बताएं कि ये अपराधी राज है कि नहीं? ये क्या मजाक बना दिया है बिहार का? तो अक्षरा सिंह का साथ देंगे उसको? नहीं, देखिए हम तो किसी भी, कोई हो उनके साथ रहेंगे, ये तो कलाकार हैं, बिहार की बेटी हैं। यह साथ रहने का नहीं रहने का, जो जनता, जिस तरह से आम लोग हो या खास लोग हो, सबके जान की कीमत बराबर है। हम सबके साथ हैं, जिनके साथ अपराधी जिनको मौत के घाट उतार रहे हैं, जिनको धमकी दे रहे हैं, जिनको, तो बिहार में अराजक स्थिति हो गई है। में दूसरी बड़ी घटना कह सकते हैं कि एक बार सांसद को धमकी मिले और फिर कलाकार को धमकी। बिहार में कानून नाम का कोई चीज बचा ही नहीं, पूरी तरह से कानून का राज चौपट हो चुका है, कानून नाम का कोई चीज है नहीं। एक मिनट भी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। जब आम लोगों को आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, जब खास लोग इस तरह से आतंकित हैं, आतंक के साए में जी रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं, तो आम लोगों का क्या होगा? चलिए, तो आरजेडी ने अक्षरा सिंह को उसका साथ दिया है और आरजेडी ने सरकार पर भी निशाना साधा है, कहा है कि सांसद और कलाकार, बिहार की बेटी बिहार में सुरक्षित नहीं है, तो सरकार को शर्म करना चाहिए। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।